बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप ही स्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। थोड़ी मेरी पिछले वीक जो है तबीयत जरा नासाज रही है, लेकिन मैं इसको मॉनिटर कर रहा था और अपने ग्रुप में भी जरा मैं ज्यादा एक्टिव नहीं था। मैंने कहा भी था अगर मेरी तबीयत सही हुई तो मैं वीकली रैपअप जो है वो इंशाल्लाह शेयर करूंगा। तो थोड़ी सी तबीयत अभी सही हुई है तो मैं ये आपके सामने वीकली रैपअप शेयर कर रहा हूँ। तो ये देखें, अभी इस वीक की क्लोजिंग जो है वो बेयरिश नोट पे हुई है। सही है, ये बड़ी खतरे वाली बात थी। किस लिहाज से ये मैं आपको बता दूं, यहाँ डोजी फॉर्म होता है मॉर्निंग स्टार। तो अगर देखें, जब भी डोजी फॉर्म होता है तो ये इसका मतलब ये होता है, ये नीचे विक देखनी चाहिए बहुत ज्यादा लंबी है तो हुई है, तो इसका मतलब इस लेवल से या कम से कम इस लेवल से बायर एक्टिवेट हुए, उसको पुश करके आगे की तरफ ले गए। ठीक है, और यहाँ पे आके जो है मार्केट क्लोज हुई थी, ये वाला एरिया जो है। ठीक है, तो ये अब इस वक्त रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि देखें यहाँ कई दफा यहाँ ने इसको रिटेस्ट किया, इसके एक अगेंस्ट भी जो है अगेन एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई थी इस डोजी को कंफर्म करने के लिए, लेकिन इस बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन नहीं हुई, अगेन एक डोजी बन गया। देखें ना, यहाँ पर भी जैसे डोजी बना, सॉरी बेयरिश कैंडल के बाद एक डोजी बना, डोजी के बाद इसकी कंफर्मेशन हुई। तो यूं देखे तो एक थोड़ा मतलब समझे मिला जुला रुझान चल रहा था, मार्केट कंसोलिडेशन में आ गई थी। देखिए यहाँ पे देखें, ये काफी अरसे तक यहाँ पे ये सिर्फ कंसोलिडेट करती रही मार्केट, डोजी बेयरिश फिर डोजी फिर बेयरिश, इस तरह कोई इसके बाद इसको बुलिश कैंडल ने कोई निगेट नहीं किया, ना कोई कंफर्मेशन हुई उसकी। मजीद मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 9.5 बिलियन के तक ही रहा, इसके ऊपर बढ़ा नहीं। वो मैं आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा। तो अभी इस वक्त करंट सिनेरियो में देखें, सीपीआर का लेवल भी अभी ऑब्वियसली जब ये सपोर्ट लेवल जो था 62,400 का, ये जब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया तो फिर 61,700 जो है वो उसका उसके ऊपर परफॉर्म करना बहुत जरूरी है और फर्दर अपसाइड सस्टेन करना बहुत जरूरी है। 61,700 का लेवल या 800 समझ ले टू बी ऑन द सेफ साइड। तो यहाँ पे देखें रिजेक्शन आ सकती है और इसके ऊपर अगर होता है सस्टेनेबिलिटी आती है तो फिर इसमें हम देखते हैं, देख के हम वीक ऑन वीक बेसिस पे काम करें। डेली बेसिस पे तो अगर करना हो तो स्टॉप लॉस लगा के काम करें, क्योंकि इसमें काफी वॉलेटिलिटी है मार्केट में, स्पेशली ऑयल एंड गैस में। आप देख रहे हैं एकदम से मार्केट ऊपर जाती है, प्लस भी जाता है, फिर एकदम से काफी नीचे भी स्टॉक आ जाता है। तो सीपीआर की हेल्प से देख लें आप कि 61,700 का लेवल जो है, मैं राउंड में बता रहा हूँ, 61,700 या 800 अपर बैंड है और मिडिल बैंड जो है 60,600-700 और लोअर बैंड ऑब्वियसली यही जिसकी जो था जिसने लो किया था, जो मैं आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ कि लो तो इसने 18,700 किया था, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से ये वाला लेवल बनता है। ठीक है, जो मैंने बता दिया आपको लोअर बैंड जो है 59,500-59,600 ये लेवल बनता है। ठीक है, तो अब हम इधर आ जाते हैं थोड़ा सा और मजीद देखें, यहाँ पर भी ये इसी डोजी का हम लेंगे ना, तो ये इसका ये ओपनिंग भी आ रहा है 61,500 से लेके 61,700-800 तक। ठीक है ना, तो ये आपको समझाने के लिए बता दिया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो इस वक्त जो ये बहुत बड़ी बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है अच्छे वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा हुए हैं नीचे की तरफ, अगर ये स्टॉक मार्केट आई है तो वॉल्यूम के साथ आई है अच्छे खासी, और विद डिक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन का तकरीबन 481 बिलियन जो है वो इस वीक में निकले हैं मार्केट से, आप ये समझ लें कम हुए हैं, डिक्रीज हो गए। तो अब इस वक्त जो करंट सिनेरियो में जो है इन्वेस्टर के लिए तो अच्छा मौका है, वो पी रेशियो को देख ले, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ स्टॉक बहुत नीचे आए हैं तो पी रेशियो का मैंने फॉर्मूला अपनी शॉर्ट जो मैंने बनाया है वो आप देख सकते हैं। तो पी रेशियो का फॉर्मूला आप अप्लाई करके उसमें जो है मार्केट जो प्राइस है उसका काफी असर आता है पी रेशियो में, मार्केट प्राइस कम होगी तो पी रेशियो भी कम होगा तो आप डाउन साइड पे उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। डिविडेंड ओरिएंटेड में की बात कर रहा हूँ मैं, स्टॉक जो है उनको आप एक्यूमुलेट करें जो अच्छे हैं, जिनकी ग्रोथ आगे फ्यूचर में अच्छी है। तो चलिए आइए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, थोड़ा डेली पे भी नजर डाल लें। ठीक है ना, डेली में भी अगेन देखें बेरिश कैंडल फॉर्म यहाँ पे इस एरिया में, फिर ये नीचे की तरफ स्टॉक आया है। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ, देखें यहाँ मार्केट अपसाइड पे भी गई है, यहाँ पे देखें ना बेरिश बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है, लेकिन ये जो हिस्टोग्राम है इसको थोड़ा सा और ये एक्सपेंड कर देता हूँ। हिस्टोग्राम जो है इसके साथ ग्रीन नहीं हुआ, ठीक है ना, ये इसके साथ इसको डाइवर्स जो है डाइवर्जेंस इसकी नीचे की हिस्टोग्राम पे आ रही थी। देखे ना,
यहाँ पे बुलिश कैंडल भी हो रही है, फॉर्म हो रही थी, छोटे छोटे डोजीज भी बुलिश बेरिश डोजी फॉर्म हो रहे थे, लेकिन हिस्टोग्राम जो है वो इसको बराबर निगेट कर रहा था इन डोज, स्पेशली ये जो बने हैं अभी रिसेंटली, ये देखें यहाँ पे बने थे, मार्केट अपसाइड गई थी, लेकिन ये हिस्टोग्राम जो है वो ग्रीन नहीं था। तो एक ही बड़ी है, अब वीकली पे भी हम नजर मार लेते हैं, वीकली पे भी देखें, यहाँ पे देखें ये यहाँ मार्केट अपसाइड पे गई, तो ये ग्रीन, लाइट ग्रीन रहा, डार्क ग्रीन में नहीं हुआ, दैट मीन्स कि यहाँ पर ये एक तरह से कहते हैं बुल ट्रैप, उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। अब जो कैंडल आई है देखिए, ये बेरिश बनी है, तो अब ये रेड भी बना है यहाँ पे, तो हो सकता है अब यहाँ से रेड का सफर शुरू हो जाए इंस्टाग्राम पे, तो इसलिए कह रहा हूँ कि मोहतात रह के ट्रेड करें। ट्रेडर हजरात के लिए मैं बता रहा हूँ, ट्रेडर हजरात के लिए मैं एक और भी लेवल बता दूं नीचे की तरफ जो है मार्केट कहाँ आ सकती है, अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूं, सॉरी जूम इन कर दूं थोड़ा सा और एक्सपेंड भी कर दूं, तो ये वाला लेवल जो है 58,474, ये वाला लेवल भी रिटेस्ट हो सकता है फॉर डे ट्रेड, यहां से हो सकता है यहाँ पे ये पुल बैक करे यहाँ से, ये ठीक है ना, ये हमारा सपोर्ट लेवल है और ये एक्सपोज्ड है, डेली पे भी एक्सपोज्ड है और वीकली पे भी एक्सपोज्ड है, ठीक है, तो ये जो है आने वाले दिनों में इसको ये रिटेस्ट कर सकता है, अगर ये लोअर बैंड जो है 59,600 का या 500 का ये ब्रेक करता है तो ये सूनर और लेटर 58,421 भी रिटेस्ट कर सकता है, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे पुश किया था इसको, तो ये इसका ये नेकलाइन सपोर्ट थी ये, और इसके नीचे भी ये आया था, तो ये भी एक समझे एक्सपोज एरिया है और अच्छा सपोर्ट एरिया भी है। चलिए अब हम आ जाते हैं इसमें वीकली पे, दोबारा आ जाते हैं, मैंने आपके साथ इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल में दोबारा बना के दिखा देता हूँ, सिमेट्रिकल ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बनाया था, ठीक है, इस एरिया में देखें ये यहाँ पे ये इसको लिया था मैंने ये, और फिर यहां से मैंने लिया था इसको एक और, ये एरिया से, ठीक है, ये मैंने सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया था, तो इसको मैंने कहा था अगर ये ब्रेक करके अपसाइड पे परफॉर्म करता है, कोई बुलिश कैंडल बनती है तो, और इसकी कंफर्मेशन मिलती है तो ये मजीद मार्केट अपसाइड परफॉर्म करेगी, लेकिन अब ये यहाँ पे देखें इसको ब्रेकडाउन इसका मिला है हमें इस एरिया का, ये समझ ले 62,400 का, टू बी ऑन द सेफ साइड 63,000 समझ ले, मैं 63,000 का पहले भी आपको कहता रहा हूँ कि ये एरिया अगर यहाँ पे आके देखें ना तो 62,900 आ रहा है, तो 63,000 एरिया का लेवल का जो एरिया है वो बड़ा क्रूशल है, यहाँ पे रिजेक्शन दोबारा मिल सकती है, तो अभी इस वक्त जो है सेल ऑन स्ट्रेंथ होना चाहिए ऐसे सिनेरियो में, जब तक ये इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता, एटलीस्ट ये वाला लेवल जो है 63,800 63,900 इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता, यहाँ मार्केट परफॉर्म नहीं करती है एटलीस्ट, तो मैंने 64,000 का लेवल बताया था, बिटवीन 63,000 टू 64,000 ये सेलिंग एरियाज होंगे। तो अब आते हैं एक और इंडिकेटर की तरफ, फिबोनाची, ठीक है, ये फिबोनाची मैंने आपके साथ शेयर किया था जब ये इसका लो यहाँ किया था और हाई यहाँ हुआ था, थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ इसको, ठीक है, तो मैंने कहा था कि ये हो सकता है दोबारा 67,000 रिटेस्ट करे और इसके बाद फिर 84,000 का मैंने बोला था, 84,300 200 भी जा सकती है मार्केट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि ये यही जो इसका लेवल था, मैं आपको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके बता दूं, तो ये यही 65,100 पे ये मार्केट ये मूव करती रही, देखें 65,130 थोड़ा और ऊपर भी गई, 65,300 तक भी गई मार्केट, लेकिन जो फिबोनाची का 2.36 लेवल है इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है, तो अब करंट सिनेरियो में देखें तो अभी हम नीचे की तरफ इसको देखेंगे, क्योंकि ये भी ब्रेक हो गया है नीचे की तरफ, डाउन साइड की तरफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल, तो मोस्ट प्रोबेबली डबल बॉटम बना के ऊपर जाती है मार्केट, क्या होता है ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो लेवल्स मैंने बताए हैं ना सीपीआर के, आपको उसको लेके चलना है, क्योंकि लेवल सीपीआर के लेवल अब नीचे आते जा रहे हैं, तो ये अच्छी साइन नहीं है, तो केयरफुल होके काम करें अभी फिलहाल, और पॉलिटिकल जो है अनसर्टेनिटी भी आपके सामने है, तो इस वक्त अगर हम देखें तो ये
वन पॉइंट इसका गोल्डन रेशियो जो आ रहा है वो ये आ रहा है इस वक्त 53,522 का, ठीक है ना, 53,522, 53,600, 400 इस पे देखें ना, विक भी बनती है तो ये लेवल भी एक्सपोज हो सकता है। इसके बाद अगर ये 58,700 जो इसने लो, ये जो विक को इसके नीचे कोई बेयरिश कैंडल फॉर्म होती है तो ये हम देखने हमको देखने को मिल सकता है। ये ऑन वीक बेसिस पे देखें तो ये देखने को मिल सकता है। और एक और भी देखें सपोर्ट लेवल, यहाँ पे इसके नीचे भी एक और आ रहा है जो मैंने पहले भी कहा था 57,700 का, लेकिन 58,700 पे या 800 पे यहाँ पे आई थी मार्केट, 58,700 पे यहाँ से मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिखाई थी, लेकिन अगेन इसको रिटेस्ट करने आ रही है। तो 58,400, 57,700 ये बड़े इंपॉर्टेंट लेवल है, इसका ब्रेकडाउन अगर होता है तो फिर ये 53,500 भी रिटेस्ट कर सकता है लेवल, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन भी डिक्रीज हो रहा है। तो वीक ऑन वीक बेसिस पे जो है, जो लॉन्ग टर्म या सॉरी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म भी समझ लें वो काम करना चाह रहे हैं तो वो जो है वो डाउन साइड पे जो है एक्यूमुलेट करें, रैशनली बाय करें, याद रखिएगा रैशनली बाय। और ट्रेडर जो है वो अपसाइड को सेल अपॉर्चुनिटी जाने, ठीक है ना, अगर आपको कोई आइटम लिया आपने नीचे डाउन साइड पे तो वो सेल करें, कोई मसला नहीं है, अगर वो बढ़ भी जाता है स्टॉक तो उसको चेंज ना करें, तो आप कोई दूसरा आइटम देख लें, क्योंकि इस वक्त जो है यहाँ पे सेलिंग ही नजर आ रही है। वो कितना भी अच्छा स्टॉक हो ये सब स्टॉक का सेंटीमेंट आपको 100 इंडेक्स का बता रहा हूँ, तो 100 इंडेक्स में जितने स्टॉक है उसका सेंटीमेंट ऑल टुगेदर जो ये शो कर रहा है। तो बी केयरफुल, अभी भी कह रहा हूँ केयरफुल होके काम करें, और जो रेस्ट जो एग्रेसिव बाइंग है ना वो इसके बाद आप बाय करें। मैं तो कहूंगा ये वाला 65,130 या 65,300 का एटलीस्ट चले, 65,200 समझ लें, 130 या 200 इसको सस्टेन करते था, फिर आप देखें मार्केट का जो वो भी बढ़ रहा है कैपिटलाइजेशन, तो भले आप एग्रेसिवली बाय करें और इस यहाँ तक, फिर ये इसके बाद जो है फिर मार्केट अपसाइड पे मूवमेंट दिखाएगी 67,130 के बाद, 67,100 के समझ लें, 100 का लेवल है 67,100, फिर यहाँ से मार्केट और मजीद बुलिश हो सकती है अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।